नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और आज की जो सबसे बड़ी खबर हमारे हिसाब से है वो ये कि कोई आतंकवादी जो होता है ना, कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहता है और खासकर उसके आका तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आतंकी जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा होने पर वो जिंदा सबूत बन जाता है। 19 साल के आतंकवादी अली बाबर को भारतीय सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया है और इसी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र का पर्दाफाश एक बार फिर हुआ है। अली बाबर नाम के इस आतंकवादी को हमारे जवानों ने कैसे पकड़ा और पूछताछ में इसने कौन कौन से विस्फोटक खुलासे किए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस जिंदा सबूत को देखने और सुनने के बाद पाकिस्तान का झूठ छुप नहीं सकता। आज पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अगर आज तक की रिपोर्ट देखेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उरी सेक्टर में सबसे बड़ी साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल चैंपियन बनता जा रहा है। अमेरिका की सीएसआर रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान कम से कम 12 आतंकी संगठनों का घर है और इन 12 में से 5 आतंकियों का टारगेट भारत है। जब देश निशाने पर हो तो देश के दुश्मनों से जुड़ी हर खबर से खबरदार होना जरूरी है। 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। उसके 10 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह भारत का प्रतिशोध था। इस घटना के ठीक 5 साल बाद आज उरी सेक्टर अशांत है क्योंकि आतंकवादियों ने इसे टारगेट पर लेने की कोशिश की। इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना भी खबरदार है और हर घुसपैठ को नाकाम कर रही है। आज तक की टीम उरी सेक्टर में है। उसने वहां से ये जोखिम भरे इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको जुजिला सुरंग के निर्माण की सुपर फास्ट रफ्तार के बारे में बताएंगे। जो सुरंग 2026 तक तैयार होनी थी, दिसंबर 2023 तक ही बनकर तैयार हो जाएगी। आज नितिन गडकरी ने इसके हाई स्पीड निर्माण कार्य का जायजा लिया है। ऐसे में हमारे विश्लेषण का फोकस इस बात पर रहेगा कि भारत में बन रही एशिया की ये सबसे लंबी सुरंग आम लोगों और सेना के लिए क्यों जरूरी है, ये 3 घंटे के सफर को मिनटों में कैसे निपटाएगी और इसका निर्माण सबसे तेज कैसे हुआ। ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर हमारा हाईटेक विश्लेषण है। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों को विस्तार से देखें, इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। चूंकि पंजाब में जिस तरह की सुगबुगाहट है उसमें हर एक पल जैसे कोई नई खबर हमारे सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दे दिया और सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल हुई है। समर्थकों के साथ सिद्धू की पटियाला में अहम बैठक हो रही है। कल पंजाब में चन्नी कैबिनेट की बैठक होगी। सिद्धू गुट की मंत्री जो है रजिया सुल्तान, उनका भी इस्तीफा आ गया है। 2 कांग्रेस के महामंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया है। कुल मिलाकर ऐसा जो लग रहा था कि सिद्धू कि अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब कांग्रेस में पूरा मामला सुलझ गया है, ऐसा हुआ नहीं है। अभी पिक्चर बाकी। और आइए अब हम विस्तार से खबरों को देखने की शुरुआत करते हैं खबरदार के नजरिए से, क्योंकि एक आतंकवादी उरी में जिंदा पकड़ा गया। इतने दिनों से ये खबरें आ रही थीं कि उरी में किस तरीके से आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं और उस सब के बीच भारतीय सेना उसे कैसे नाकाम कर रही है। पहले ही दिन 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, उसके बाद अगली किश्त को फिर जहन्नुम पहुंचा दिया गया और अब आज एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में लश्करे तैयबा के आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा है। अली बाबर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है। पीओके के रास्ते उरी बॉर्डर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था, लेकिन यहां वो जिंदा पकड़ लिया गया। आतंकी अली बाबर की उम्र सिर्फ 19 साल है। आमतौर पर 19 साल की उम्र में दुनिया भर के युवा कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने युवाओं को आतंकवाद में ग्रेजुएट करवाकर घुसपैठ और आत्मघाती हमले का प्रैक्टिकल करने के लिए भारत भेजता है। अब हो सकता है पाकिस्तान अपने झूठ को छुपाने के लिए अली बाबर को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दे, ये कह दे कि पंजाब प्रांत में ओकारा नाम की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आतंकी अली बाबर जिस तरह के खुलासे कर रहा है उसके बाद पाकिस्तान का झूठ छुप ही नहीं सकता। आज इमरान खान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पूरी टीम को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से भेजा गया ये आतंकी बाबर अब सारे राज तोते की तरह उगल रहा है। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल,
संगठन लश्कर ए तैयबा, गांव वासीवाला ओकारा पंजाब पाकिस्तान, आतंकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनवा में। पाकिस्तान आर्मी ने कोशिश तो पूरी की थी कि किसी तरह आतंकियों को भेजकर आतंक फैलाया जाए, लेकिन एक मारा गया और दूसरा आतंकी बाबर बॉर्डर पर जिंदा पकड़ा गया। अपने साथी के एनकाउंटर के बाद अली बाबर यह समझ गया कि सरेंडर करने में भलाई है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का निशाना आतंकियों पर 100% अचूक है। Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken, and he was taken into own custody. अली बाबर के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान का एक और आतंकी प्लान फेल हो गया, लेकिन घुसपैठ की तैयारी किस लेवल पर की गई थी, सबसे पहले ये समझिए। सेना के मुताबिक अली बाबर ने अपने 5 साथियों के साथ 18-19 सितंबर की दरमियानी रात घुसपैठ की कोशिश की थी। पूरी सेक्टर में प्लानिंग कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने जब बाबर और उसके एक और आतंकी साथी को रोकने की कोशिश की, तो बॉर्डर पार से 4 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर अली बाबर और उसका साथी अतिकुर रहमान उर्फ कारी अनस भारतीय सीमा में घुस चुका था, लेकिन पूरे इलाके में सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये दोनों आतंकी उसी इस्लामाबाद नाले में छिपे थे जिसमें 5 साल पहले उरी हमले के आतंकी छुपकर आर्मी कैंप पर हमला करने आए थे, लेकिन 7 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद 26 सितंबर को बाबर और उसका साथी भारतीय सैनिकों की बंदूक के निशाने पर थे। आखिरकार दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आतंकी अनस मारा गया, जबकि अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। ये पाकिस्तान के ओकारा पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है अली बाबर। ये लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है और इसकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुई। तो सबसे पहले जो पूछताछ में सेना को पता चला है, तो गढ़ी हबीबुल्ला में इसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के बाद ये पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद आया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग हुई? जनवरी 2019 में इसकी 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, जिसे दौराए आम कहते हैं। उसके बाद 13 से 20 अप्रैल 2021 में इसको बकायदा ट्रेनिंग का रिफ्रेशर कोर्स कराया गया, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पोजीशन लेनी है, किस तरह से फायर डिसिप्लिन के साथ फायर करना है, ये इसकी ट्रेनिंग हुई। यही नहीं, मैप रीडिंग भी इन आतंकवादियों को कराई जाती है। उसके बाद 21 अप्रैल 2021 को इसे हनान शुमाल के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में या टेरर लॉन्च पैड के पास का ये एक इलाका है, वहां भेजा गया। 21 अप्रैल को वहां से निकला, 23 अप्रैल को यहां पहुंचा और यहां भी 4 महीने की बकायदा इसकी ट्रेनिंग हुई। उड़ी ये है, उड़ी के पास यहां पर नियंत्रण रेखा पर इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। वहां पर सेना एक एम्बुश में पहले ही बैठी थी, मुठभेड़ हुई, उसमें 4 आतंकवादी वापस चले गए, लेकिन उसी मुठभेड़ का फायदा उठाते हुए 2 आतंकवादी घुस आए नियंत्रण रेखा के इस पार। सेना से हुई पूछताछ में अली बाबर ने कबूल किया कि उसने पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्ला इलाके में साल 2019 में 21 दिन की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। ये खैबर पख्तूनवा का वही इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट कैंप चलाती है। भारत में घुसपैठ करने से पहले बाबर और उसके साथियों को पाकिस्तान के हल्लान शुमाली इलाके में फाइनल ट्रेनिंग दी गई थी। 19 साल के पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने सरेंडर किया, उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी ही उनकी ट्रेनिंग के पीछे है और वही उन्हें लॉन्च करते हैं एलओसी से भारत आने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसको ये बोला गया था कि जैसे ही वो एलओसी क्रॉस करेगा, उसको पट्टन पहुंचना है, वहां पे वो कुछ लोगों से मिलेगा। और अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में टेरर रिक्रूटमेंट काफी नीचे आ चुका है। भारतीय फौज की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान कैसे गरीबी का फायदा उठाकर अपने युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और इन्हें हथियार थमा देता है ताकि भारत में खून बहाया जा सके। चाहे मुंबई हमले को अंजाम देने वाला कसाब हो
या अली बाबर, पाकिस्तान के युवाओं का यही हाल है। इनकी ग्रेजुएशन आतंकवादियों के किसी कैंप में ही होती है और प्रैक्टिकल करने के लिए भारत भेज दिए जाते हैं। भारतीय सेना को मिली जानकारी के अनुसार पीओके में इस समय कम से कम 35 लॉन्च पैड एक्टिव हैं और 5 टेररिस्ट कैंप पूरी के आसपास के पाकिस्तानी इलाके में चल रहे हैं। इनमें कथाई, पटियन, पांडू, बोकरा गली और खोजबंदी कुछ अहम ठिकाने हैं। सबसे जरूरी इनपुट यह है कि ये सारे इलाके अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फिर से एक्टिव हो चुके हैं, यानी भारतीय फौज के लिए ये समय ज्यादा अलर्ट रहने का है ताकि पाकिस्तान के बाबर जैसे आतंकियों को बॉर्डर पर ही निपटा दिया जाए। अभिषेक भल्ला के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। अली बाबर जैसे जो आतंकी हैं, उसकी तरफ से जो अली बाबर की तरफ से जो खुलासा किया गया है, उसे पाकिस्तान में बैठे सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान से सुनना चाहिए, जो हर बात पर नसीहत देने के लिए बिना इस पूरी समस्या को समझे सामने आ जाता है। 19 साल का ये लड़का है। अधिकतर पाकिस्तान में देखा गया है कि ISI इसी उम्र के इर्द गिर्द लोगों को या तो ब्रेन वॉश करके या फिर उनकी गरीबी का फायदा उठाकर पैसे देकर उन्हें आतंक के रास्ते पर झोंकने की कोशिश करती है। अली बाबर की तरफ से पाकिस्तान के युवाओं को यह कहा गया है कि वो पाकिस्तान में इस तरह के एलिमेंट्स के झांसे में न आए। बहरहाल भारत के हाथ अब अली बाबर पर हैं और किसी भी आतंकी को सीमा पार नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं एनिवर्सरी भी, पाकिस्तान को अच्छी तरीके से यह याद रहेगा क्योंकि इससे ठीक 10 दिन पहले जिस तरह का हमला उरी के आर्मी कैंप पर हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान ने करारा जवाब उसे दिया था। पाकिस्तान में और खासकर कश्मीर का जब सवाल हो जाता है तो पाकिस्तान तारीखों का महत्व बनाकर रखना चाहता है। इन तारीखों का महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चाहे बुरहान वानी की एक के बाद एक एनिवर्सरी सामने आती हो या फिर 370 का दिन आता हो। अब वो चाहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक के दिन कुछ ना कुछ करे, इसीलिए अपने लॉन्च पैड्स के जरिए वो कोशिश में था कि उरी में वो आतंकियों को दाखिल करवा दे। लेकिन भारतीय सेना किस तरीके से मुस्तैद है, ये एक्शन पैक्ड रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला ने आपके लिए तैयार की है। ये LOC के साथ लगा उरी सेक्टर है। यहाँ 10 दिनों से बंदूकें इसी तरह गरज रही हैं। भारतीय सुरक्षा बल उरी सेक्टर में LOC से सटे चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। लंबी घास, पेड़, गहरे नाले, दुश्मन कहीं भी छिपा हो सकता है। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के आसपास का इलाका अशांत क्यों है, इसका लिंक 5 साल पहले हुए घटनाक्रम से जुड़ा है। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 17 जवान शहीद हुए थे। इसके 10 दिन बाद भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो प्रतिशोध लिया था, आज उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। आतंकवादी एक बार फिर उरी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। 10 दिन पहले 18 सितंबर को ही 5 आतंकियों ने घुसपैठ और हमले की कोशिश की थी। हमारे जवानों ने इसे नाकाम कर दिया था और बाद में 3 आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज तक की टीम भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम जोखिम उठाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। 20 सितंबर की सुबह इंडियन आर्मी ने उड़ी सेक्टर में एक ऑपरेशन किया। 5 टेररिस्ट जो के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश किए गए कर रहे थे, उनको यहां पे पकड़ा गया। 3 टेररिस्ट मारे गए थे। हम जो देख रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान टेरिटरी है, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और इसकी वजह से यहां पे जो टेररिस्ट का मूवमेंट होता है उसे पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग एक सिनारियो होता है इंडियन आर्मी के लिए। और इसी जंगल में एक नाले में 3 टेररिस्ट छुपे हुए थे जहां पे इंडियन आर्मी ने एम्बुश ले की थी। 3 मारे गए, जो 2 और थे उसके बाद मौके से वापस पीछे चले गए। जो ये टेररिस्ट थे हेवली आर्म थे, 5 AK-47 राइफल इनसे बरामद हुई। इसके अलावा 9 AK-47 राइफल उन 2 टेररिस्ट के पास भी थी जो
वापस भाग गए। हथियारों का ये जखीरा देखिए, ये हथियार उन्हीं तीन आतंकियों के पास से मिले हैं जिन्हें 23 सितंबर को उरी के पास रामपुर सेक्टर में मार गिराया गया था। इसके अलावा उनके पास से भारी मात्रा में पाकिस्तानी करेंसी, भारतीय करेंसी और खाने पीने का सामान मिला है। 23 तारीख की मॉर्निंग सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे जवान LC पे डिप्लॉयड थे और जो हमारे एम्बुशेस तैनात थे, उन्होंने खबर दी कि तीन हथियारबंद लोग LC की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि वो LC क्रॉस कर चुके थे और जो हमारे एम्बुशेस थे उन्होंने उनको चेतावनी दी और वहाँ पे एक फायर फाइट हुई। उस फायर फाइट में तीन टेररिस्ट जो कि हेवली आर्म्ड थे उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। 18 सितंबर और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर को भी घुसपैठ की साजिश नाकाम की जा चुकी है। आतंकियों को मारने का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। इस सब में सेना की रणनीति क्या है ये भी समझिए। सीजफायर जरूर चल रहा है लेकिन भारतीय सेना को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी कार्रवाई में ऐसा न लगे कि सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। यही कारण है कि भारतीय सेना आतंकवादियों को भारत की टेरिटरी में आने दे रहा है और फिर उनको मार गिरा रहा है ताकि कि बिल्कुल भी इस तरह की सिचुएशन ना हो जैसा कि जिस उसमें लगे कि सीजफायर का वायलेशन हुआ है। खुफिया जानकारी ये भी है कि उरी सेक्टर के सामने उस पार पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों में 150 से 200 आतंकी एकदम तैयार बैठे हैं, लेकिन भारत के वीर भी निशाना साधे एकदम तैयार हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हैं, जहां पे पिछले कुछ दिनों में लगातार काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने आने की कोशिश की है। सीजफायर तो जरूर है फरवरी से, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़ चुके हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना पूरा अलर्ट मेंटेन कर रहा है और जो टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं उनमें भी बदलाव लाया गया है। सीजफायर की जगह इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करने पर पूरी फोकस दिया जा रहा है। आतंक की हर आहट पर सेना की बंदूकें तनी हुई हैं। जरा भी हरकत हुई नहीं कि काम तमाम। आज की तारीख में रेकी चल रही है, अटेम्प्ट्स की कोशिश जारी है और आपको दिख गया है अटेम्प्ट का नजराना नजरिया। मैं आपको यकीन बताता हूं कि आप चिंता न करें, कोई भी अटेम्प्ट होगा वो निकलेगा। समझने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर आतंकी इस बड़े पैमाने पर घुसपैठ की हिम्मत नहीं कर सकते, बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकते। सर्दी से पहले जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। देख रहे हैं खबरदार और अब हम बात उस टनल की करने जा रहे हैं जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। ये जोजिला टनल है और इसके निर्माण के साथ ही जो 3 घंटे का सफर था वो 15 मिनट का होने वाला है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 में इसे बनकर पूरा होना था, लेकिन अब दिसंबर 2023 की बात की जा रही है, यानी कि समझ लीजिए कि 2024 के आम चुनावों से पहले यह बनकर तैयार हो सकती है। और इसका भरोसा खुद नितिन गडकरी ने दिया है जब वहां पर वो अपडेट लेने के लिए गए थे कि निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है। सुरंग बनती हुई आप देख रहे हैं, ये भारत की तरक्की का रास्ता है। ये एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होने की डेडलाइन तो 2026 है, लेकिन काम ऐसा जोरदार है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरा हो सकता है। श्रीनगर की लेह से जोड़ने वाली ये वो सुरंग बनेगी जिससे मौसम की दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। बर्फबारी में सर्दियों में जम जाने वाला रास्ता मजबूरी नहीं रह जाएगा। हम इस वक्त ऐतिहासिक जोजिला टनल में खड़े हैं। दरअसल ये टनल जो करीब 14 किलोमीटर लंबी है, देश में इंजीनियरिंग का एक नया करिश्मा और नमूना भी है।
न सिर्फ ये टनल देश के लिए एक इतिहास है बल्कि साथ ही साथ ये लद्दाख क्षेत्र के लिए काया पलट का काम करेगी। दरअसल लद्दाख क्षेत्र देश और दुनिया से करीब 6 महीने कटा रहता है मौसम की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े बर्फीले तूफान आते हैं इस पूरे इलाके में, पूरी तरह से जो ये सड़कें हैं वो बर्फ में ढक जाती हैं और उस बीच आवाजाही जो है रुक जाती है और थम जाती है। लेकिन न सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं सर्दियों के महीने में और आने जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ सीमाओं पर तैनात हजारों की तादाद में सेना के जवानों के लिए भी यही एक लाइफलाइन है। चूंकि हिमालय के सबसे अल्टीट्यूड पे है, ऑलमोस्ट इसका जो अल्टीट्यूड है 3300 मीटर्स है, तो ये इस अल्टीट्यूड पे कोई भी रोड टनल नहीं है। तो नंबर सेकंड की ये ग्लेशियर्स के नीचे से है, इसमें ऊपर से ग्लेशियर्स है, जबकि जोजिला है और डिफरेंट और पासेज है। तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, जैसे लद्दाख आपको पता है लद्दाख 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तो ना खाली लाइवलीहुड के लिए प्लस डिफेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्लस साथ ही साथ टूरिज्म की इम्पॉर्टेंस इसमें बहुत है। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर ले नेशनल हाईवे 1 पर हो रहा है। ये 14.15 किलोमीटर लंबी 2 ट्रैफिक लेन वाली टनल होगी, जो 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी। टनल बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। इस वक्त हम जोजिला टनल में हैं और आपको यहाँ हुआ काम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर टनलिंग की गई है उसमें 3 तरीके के शाफ्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, कंक्रीट की लेयर फिलहाल इसमें डाल दी गई है। ये टनल जेड मोड टनल्स कनेक्ट करेगा और ऑल वेदर रूट होगा। ऑल वेदर रूट का मतलब ये सर्दियों में भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़ी उपलब्धि इन टनल्स की यही रहेगी कि ये आर्मी के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी एक रूट बनेगा जो पूरा साल खुला रहेगा। जोजिला टनल में हर 125 मीटर की दूरी पर आपातकाल फोन कॉल करने की सुविधा होगी। सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होगा, इसके साथ ही मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। सुरंग की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सुरंग के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जोजिला टनल के बनने की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी और इसके बनने की तेज रफ्तार ने हर किसी को चौंका दिया है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के तहत आने वाले NHIDCL जोजिला टनल को बना रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को जोजिला टनल के निर्माण का काम खुद देखने पहुंचे थे। जोजिला टनल के साथ साथ उन्होंने जेड मोड़ टनल का सर्वे भी किया। और वो टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है और उसका काम अभी मैं देख के आया, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वो कर रही है, एप्को काम कर रही है। इसका अगले साल हम उद्घाटन करेंगे और यह जो है वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 23 दिसंबर तक, यानी काम की कम से कम 1.5-2 साल पहले ही हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6.5 किलोमीटर की जेड मोड सुरंग और जोजिला सुरंग का साझा रास्ता ही हर मौसम में श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। दरअसल लंबा ये टनल का जो पूरा जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है। एक टनल जो जड़ मरवा के नाम से जानी जाती है वो सोनमर्ग तक है, वो करीब 5.5 किलोमीटर है। और उसके बाद महत्वपूर्ण और मेन टनल जो है जो यहाँ बालटल से शुरू हो जाती है और इसका दूसरा सिरा जो है लद्दाख क्षेत्र में द्रास के पास खुलता है, ये बड़ी और महत्वपूर्ण टनल यही है जो 16 किलोमीटर जो चढ़ाई जोजिला दर्रे की है उसको मात्र 14 किलोमीटर की दूरी में बदल देगी। इससे न सिर्फ आवाजाही में कमी हो जाएगी करीब 2 घंटे की, बल्कि साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र जो है देश दुनिया से पूरी तरह से और पूरे साल तक जुड़ा रहेगा। जेड मोड़ सुरंग सिर्फ लेह से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का कनेक्टिंग रूट ही नहीं होगा, बल्कि ये कश्मीर में सोनमर्ग की लाइफ लाइन बन जाएगा। ये एक बाई डायरेक्शनल टनल इसे कहा जा रहा है, एक तरफ यहाँ से जाना और दूसरी तरफ आने का यहाँ पर रास्ता है। इससे फायदा ये होगा कि जब ये यहाँ से सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर कनेक्ट करेगा, ये वेस्ट एंड है, ईस्ट एंड से हम ले कनेक्ट करेंगे, तो 3
3 घंटे का जो रास्ता है वो आप कम से कम 5 मिनट में पार कर पाएंगे। और इस टनल के बनने के बाद सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, जो बहुत खतरनाक रास्ता हो जाता है सर्दी के महीनों में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रैवल करना। तो एक तो वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है, दूसरा ये जोजिला का जियोलॉजी है, जो जोजिला रेंज बोलते हैं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके अंदर रॉक भी मिलेगा हमको, पानी भी है। वी आर क्रॉसिंग 3-4 पानी का फ्लो क्रॉस कर रहा है और 2-3 वीक जोन्स में एंटिसिपेट कर रहा है, तो ये चैलेंजेस टनलिंग में जो हर टनल में रहते हैं इसमें थोड़ा ज्यादा है। जेड मोड़ सुरंग का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। जोजिला के मुकाबले लगभग आधी दूरी होने के बावजूद जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लिए इंजीनियरिंग की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। बहरहाल 2022 तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। जेड मोड़ टनल से मिलन शर्मा के साथ अशरफ वानी, जोजिला टनल आज तक। इस तरह के जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर चाहे आम लोग हों या सेना हो, सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो करगिल के रहने वाले हों, श्रीनगर के, ले के, द्रास के, हर जगह के लोगों के लिए ये टनल बहुत अहम होगी और भारतीय सेना के लिए तो हर मौसम में ये एक लाइफलाइन साबित होगी। हम इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। जोजिला टनल की मदद से इन इलाकों में सेना की मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगी। करगिल, द्रास जैसी सामरिक लोकेशंस पर पूरे साल सैन्य साजो सामान पहुंचाने में सहूलियत हो जाएगी। इसी मार्ग के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों को सप्लाई जाती है, जो पूरे साल अब संभव हो पाएगी। -45 डिग्री की ठंड में भी यह टनल आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का इंतजार कर रही है। जब ये टनल बनकर तैयार होगा तो अपने आप में एक नायाब इंजीनियरिंग का बाजार। 2018 में इस टनल की नींव पड़ी थी और ये आज की बात नहीं है, इसकी मांग चल रही है लगभग 30 साल से। दरअसल जब इस तरह के इलाके होते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर बर्फबारी हो गई, ठंड का, भीषण ठंड का मौसम का आगाज हो गया, तो उस समय जो कनेक्टिविटी है इन इलाकों की बाकी के देश से लगभग 6 महीने के लिए बंद रहती है। लेकिन अब इस टनल के बस बनने का इंतजार है। करगिल, द्रास और लद्दाख जो साल के 6 महीने बाकी दुनिया से कटे रहते हैं, इसीलिए हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए पिछले साल अक्टूबर में जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हुआ तो मानो स्थानीय लोगों का एक सपना पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जोजिला टनल का पिछले 30 वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस टनल की नींव रखी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोजिला टनल जब बनकर तैयार होगी तब हिमस्खलन में गाड़ियों के फंसने का खतरा नहीं रह जाएगा। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरे से भरा है, लेकिन जोजिला टनल इस खतरे को बहुत कम कर देगी। रोजगार मिलेगा इससे, तो यहाँ की चाहे लोकल गाड़ियाँ हैं या लोकल लेबर्स है या अदरवाइज इंजीनियर लोकल्स हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह में रहने वाले लोगों के लिए जोजिला टनल लाइफ लाइन बन जाएगी और भारतीय सेना के लिए 12 महीने सप्लाई लाइन का काम करेगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत देश के तमाम दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को लेकर बेहद तेजी से काम कर रही है और ये विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें भविष्य के भारत का सपना छिपा है। ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। जोजिला और जेड मोड जैसी सुरंगों का निर्माण तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।